नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं तोरी की सब्जी। बनाने में बेहद आसान और बहुत ही कम तेल में बनने वाली आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैंने लिया है आधा किलो तोरी, इसे मैंने अच्छे से छील लिया है और छीलने के बाद अच्छे से धुल लिया है। अब धुलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम बारीक बारीक टुकड़ों में काटेंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि जो इनके छिलके हैं उन्हें क्या करेंगे। उन्हें आप अपने पौधों में दबा दीजिए, खाद बन जाएगी, यानी मिट्टी में दबा दीजिए तो खाद बन जाएगी, तो उसका भी उपयोग हो गया। और इधर हमने अपनी तोरी को काट लिया है, साथ में लिया है 4 लहसुन जिसे बारीक काटा है और 1 हरी मिर्च। कढ़ाई में डालेंगे आप 1 चम्मच तेल, और इस तेल में सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन जो हमने काट कर रखे हैं। 4 कली लहसुन थे कटे हुए, इन्हें हमने अच्छे से फ्राई कर लिया धीरे धीरे से। और अब डालेंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। देखिए पहले लहसुन को फ्राई कर लिया है और अब मिक्स करेंगे हम इसमें अपना हल्दी का पाउडर। कितना डाला था, 1/4 चम्मच डालना है। बस मिक्स कीजिए इसको। ये सब्जी बेहद आसान है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। और अब डाल देंगे हमने जो तोरी और हरी मिर्च काट कर रखी थी, सब्जी के साथ ही हम हरी मिर्च डालेंगे। तो बस गल गई। अभी आँच हमारी थोड़ी मीडियम पे है, बाद में हम आँच को एकदम धीमी कर देंगे, यानी फ्लेम को धीमा कर देंगे। अभी आँच किस पर है, मीडियम पर। तो इसे चला लीजिए थोड़ी देर, और ये आपकी सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट है और हेल्थ के लिए भी आपकी बहुत अच्छी है। तो देखिए हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक की मात्रा आप कम रखिए क्योंकि ये सब्जी कम हो जाती है पकने के बाद, तो इस तरह से आप कम नमक डालेंगे। सेंधा नमक यूज़ किया है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अब हम कर देंगे आँच को अपनी धीमी और ढक्कन लगाकर इसे ढक देंगे और पकने दीजिए। तो देखिए ये बॉयल हो गई है बहुत अच्छे से, और तैयार है आपकी सब्जी फटाफट से बनके। तो इसे आप सर्व कीजिए रोटियों के साथ या राइस के साथ, कैसे भी खाइए आप, दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ, मज़ा आ जाएगा खाकर। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और एक बार चैनल पर विज़िट करना ना भूलें। धन्यवाद।